और दिल्ली लाइव बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। किसान आंदोलन से जुड़ी है बड़ी खबर। 26 जनवरी को किसानों की परेड को मंजूरी मिल गई है। ट्रैक्टर परेड को लेकर पुलिस और किसानों के बीच सहमति बन गई है। बॉर्डर के आसपास के रास्तों में मार्च करेंगे किसान। बॉर्डर से सटे इलाकों में परेड होगी। तो आपको बता दें कि बॉर्डर्स के आसपास ही परेड करने की अनुमति मिली है। बॉर्डर्स के आसपास रास्तों में मार्च कर सकेंगे किसान। बॉर्डर से सटे इलाकों के अंदर ही परेड करेंगे। तो बॉर्डर के आसपास रास्तों पर मार्च करेंगे 26 जनवरी को। जहां एक तरफ राजपथ पर देश की झांकियां निकल रही होंगी, देश की ताकत दिखाई दे रही होगी, तो वहीं देश की असल अंदरूनी ताकत किसान भी नजर आएंगे दिल्ली की सड़कों पर। लेकिन बॉर्डर्स पर सुरक्षा लिहाज से बॉर्डर्स पर उन्हें अनुमति दी गई है, सहमति बनी है कि वो दिल्ली में कर सकते हैं मार्च, लेकिन बॉर्डर एरिया पर ही उनको मार्च करना होगा। मेन दिल्ली के अंदर या फिर राजपथ पर पहुंचने की या उस तरह आने की अनुमति उनको नहीं होगी। फिलहाल जो रास्ते रहेंगे उसकी भी जानकारी जल्द दे दी जाएगी। तो भाकियू नेता राकेश टिकैत ने बयान दिया, 26 जनवरी को परेड ऐतिहासिक होगी। राजनीतिक दलों के झंडों पर प्रतिबंध रहेगा, राजनीतिक लोगों के शामिल होने पर प्रतिबंध रहेगा। गाजीपुर बॉर्डर पर परेड की तैयारियां जोरों पर हैं, देश भर से ट्रैक्टर आ रही हैं। टिकैत ने कहा कि ये जो रैली होगी, ये जो परेड हो गया, ये परेड ऐतिहासिक होगी। राजनीतिक दलों के झंडों पर प्रतिबंध होगा। कोई भी अगर राजनीतिक दल इस परेड में शामिल होना चाहता है किसानों के साथ, तो किसानों के झंडे के तले आना होगा, किसी भी पार्टी का झंडा नहीं दिखेगा। तो गाजीपुर बॉर्डर पर परेड की तैयारियां जोरों पर हैं, देश भर से आ रहे ट्रैक्टर, ऐसे में देश भर से किसान जुट रहे हैं। तो भाकपी नेता राकेश टिकैत ने यह बयान दिया, 26 जनवरी को परेड ऐतिहासिक रहेगी। राजनीतिक दलों के झंडों पर प्रतिबंध रहेगा, राकेश टिकैत की तरफ से दी गई जानकारी। राजनीतिक लोगों के शामिल होने पर भी प्रतिबंध होगा। तो गाजीपुर बॉर्डर पर परेड की तैयारियां जोरों पर हैं, देश भर से ट्रैक्टर आ रहे हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। साथ ही विश्वविद्यालय में 50 मीटर ऊंचा राष्ट्रध्वज भी स्थापित किया। इस दौरान सिसोदिया ने कहा, बेरोजगारी से युद्ध लड़ने के लिए हमें विश्वविद्यालयों को रोजगार की गंगोत्री बनाना होगा। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य विद्यार्थियों में उद्यमिता की सोच विकसित करना है, इसके लिए दिल्ली सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से विश्व के अंदर बेरोजगारी एक चुनौती के रूप में उभरकर सामने आई है। तो वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को दोषी करार दिया। अदालत ने 2016 के इस मामले में आज फैसला दिया है। सोमनाथ भारती के ऊपर एम्स के एक सुरक्षाकर्मी से मारपीट करने का आरोप है। कोर्ट ने इसी मामले में चार अन्य आरोपी को बरी कर दिया है। चार साल पहले इस मामले को लेकर बताया जा रहा है कि सोमनाथ भारती दिल्ली के पहले ऐसे मंत्री हैं जिन्हें अदालत सजा सुनाएगी। 2016 में हुए इस मामले पर सोमनाथ भारती के ऊपर मारपीट और सरकारी संपत्ति नुकसान पहुंचाने का आरोप है, जिसमें अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया है। आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती का और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है। दिल्ली की एक अदालत ने 2016 में एम्स में हुई मारपीट के एक मामले में आज विधायक सोमनाथ भारती को दोषी करार दिया है। अगर कानूनी जानकारों की बात मानी जाए तो जो धाराएं सोमनाथ भारती के खिलाफ लगाई गई हैं उनमें अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर अगला स्टैंड क्या लेती है, लेकिन फिलहाल ये दिल्ली की कोर्ट से आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका है। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली। तो राजधानी दिल्ली के आम आदमी पार्टी कार्यालय में आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब से आदेश गुप्ता अध्यक्ष बने तब से वो सिर्फ अलग अलग मुद्दों पर दिल्ली सरकार से रुपए मांग रहे हैं। नॉर्थ एमसीडी से डीडीए के 1200 करोड़ रुपए बनते हैं और साउथ दिल्ली हेडक्वार्टर से 535 करोड़ रुपए बनते हैं। आदेश गुप्ता डीडीए से 2000 करोड़ क्यों नहीं ले रही है? नगर निगम दक्षिण दिल्ली नगर निगम का कितना पैसा है? तो उन्होंने कहा जोन से तो हमें अब जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है, मगर हेडक्वार्टर को, दक्षिण दिल्ली नगर निगम के हेडक्वार्टर को डीडीए से 535 करोड़ रुपए लेने हैं, ये जानकारी यहां पे आई। और अगर जोन्स का मिला लें तो दक्षिण दिल्ली नगर निगम और उत्तरी नगर निगम का ही मिला लें तो करीब 2000 करोड़ रुपया लगभग डीडीए को एमसीडी को देना है।
पूर्वी दिल्ली नगर निगम से अभी जानकारी नहीं आई है, वो जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो हमारी आदेश गुप्ता जी से ये उनको नसीहत रहेगी, उनको सुझाव रहेगा कि आप रोज कटोरा लेके पैसे मांगने निकलते हैं, आप खुद डीडीए के मेंबर हैं, आप बताइए आपने डीडीए में अब तक इस पैसे को वापस लाने की कितनी कोशिश की। आपकी खुद की पार्टी केंद्र सरकार में है जिनके अधीन ये डीडीए आती है, आप दिल्ली के लोगों को जानकारी दीजिए कि क्यों आपने अब तक डीडीए से ये 2000 करोड़ रुपए लेने की कोशिश नहीं की। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक महेंद्र गोयल ने बीजेपी पर गंदी राजनीति करने के आरोप लगाए। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली जल बोर्ड में हुए 26,000 करोड़ के घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए हैं। इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता ललित लोधवाल ने रिठाला विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल से खास बात की। इस वक्त हम खड़े हैं रिठाला विधानसभा के अंदर और हमारे साथ हैं विधायक महेंद्र गोयल जी। मुद्दा जो है इस टाइम गर्म है 26,000 करोड़ रुपए को लेकर, जो दिल्ली जल बोर्ड के अंदर घोटाला है जो आदेश गुप्ता ने जो इन आरोप लगाया है, आदेश गुप्ता जी ने एक आरोप लगाया है कि 26,000 का घोटाला दिल्ली जल बोर्ड में। देखिए, उनकी राजनीति घटिया स्तर की राजनीति है, क्योंकि हमने उनके 2,500 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश किया है। तो इस आरोप में सोचा कि एक बिंदी और पीछे लगा के बोला दिल्ली सरकार के ऊपर हम आरोप लगाते हैं, लेकिन उसके अंदर कहीं पे कोई घोटाला नहीं है। दिल्ली की जनता को 20,000 लीटर हर घर को आज पानी पीने के लिए हम लोग फ्री में दे रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का वो नहीं है। और दिल्ली सरकार किसी ना घोटाले में होती है, और घोटालेबाजों के पर्दे को हमेशा बेनकाब करने के लिए वो तत्पर रहती है, ये दिल्ली सरकार काम करती है। अब घोटाले 13,000 का भी चल रहा है, इसमें भी बड़ी राजनीति चल रही है, अब ये नहीं समझ आ रहा कि कौन सा। हम लोगों ने हिसाब दिया है कि पीछे की सरकारों में उनको जितना पैसा मिला है उससे कई गुना पैसा हम दे चुके हैं। तो अब आप इसको क्या लेके चल रहे हैं कि राजनीति ही चल रही है, क्योंकि इससे क्या है, जो पूरे निगम भी परेशान है, कर्मचारी परेशान है, और जो नर्सिंग स्टाफ है वो परेशान है, सब लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। देखिए, सफाई कर्मचारियों के लिए तनख्वाह देने का हम लोगों ने अभी काम किया है, उनको पैसा दिया है, और एमसीडी के सभी आला अधिकारियों से हम कहेंगे कि उनके खातों के अंदर वो पैसा जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो पैसा देते हैं बड़े अच्छे ढंग से उनको पैसा देते हैं, तो और ये पैसा उनके घोटालों में चला जाता है, तो ये पैसा उन लोगों का मिलना चाहिए जिनका वो हक है। मुख्यमंत्री जी ने 935 करोड़ रुपए रिलीज किए, लेकिन मेयर जो है जयप्रकाश, उनका कहना यह है कि अभी उनके खाते में ही नहीं आए, उनका खाता कहीं और ट्रांसफर हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा कहने की बात नहीं, क्योंकि वो तो एक फिगर है, यदि दिल्ली सरकार के किसी बैंक से एमसीडी के बैंक में गया तो वो बैंक अपने आप ही बोले। तो ये थे हमारे साथ महेंद्र गोयल जी, जिनका कहना यह है कि जो भी है हमारी तरफ से सारी की सारी कार्रवाई सही चल रही है, हमारे अकाउंट से पैसा जा चुका है, अब आगे कहाँ गया है ये जयप्रकाश जी जाने और उनका निगम जाने। ललित लोधवाल, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली। तो वहीं दिल्ली में नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन शैल बिहारी ने 2021 का बजट पेश किया। वहीं इस बजट के दौरान शैल बिहारी ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया, कहा कि दिल्ली सरकार जो 2500 करोड़ के घोटाले की बात बोल रही है, असल में निगम में कोई घोटाला हुआ नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार और उनकी पार्टी के निगम पार्षदों ने झूठ का ढोल बजाया, बल्कि दिल्ली सरकार के पास ऐसा कोई सबूत भी नहीं। तो कोर्ट ने टिप्पणी करी है, समझदार को इशारा काफी होता है, उन्होंने और भी काफी सारी बातें कही है उसी संदर्भ में, विज्ञापन कौन दे रहा है, पैसे की डिडक्शन कौन कर रहा है, कौन घुमा रहा है, पैसा घोषणा करके क्यों नहीं दे रहा है, तो निश्चित तौर पे जो लिंचिंग वाली बातें हैं वो भी कहीं ना कहीं इशारा आप समझ रहे हैं कहां की तरफ है। सर, जो कोताही करेगा वो भुगतेगा। तो वही बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार से 26,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ उसके लिए दिल्ली सरकार से बार बार विशेष सत्र लगाने की मांग कर रही है। उन्होंने बताया कि वो दिल्ली सरकार से सदन की कार्यवाही को लेकर पब्लिक के साथ शेयर करने की मांग कर रही है। वहीं उन्होंने दिल्ली सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि हिमाचल से जो पानी रेणुका बांध का दिल्ली लाने की योजना थी उसका क्या हुआ। जो 3-4 वायदे किए थे, एक तो ये था कि भाई मैली हमको साफ करेंगे,
श्री अरविंद केजरीवाल जी बताएं कि मैली यमुना को साफ करने के लिए उनकी सरकार ने क्या कदम उठाया है, कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, लगभग 1600 करोड़ रुपया भारत सरकार की ओर से दिल्ली सरकार को सहायता दी गई है, उस पैसे का क्या हुआ, ये हमारा उनसे पहला सवाल है। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि पल्ला से लेकर वजीराबाद तक 1000 एकड़ क्षेत्र में जब बरसात होती है तो बरसात के पानी को हम लोग स्टोर करेंगे और उसको ट्रीट कर हम दिल्ली के लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराएंगे, इस योजना का आखिर क्या हुआ, हम पूछना चाहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से। जो उनकी तीसरी घोषणा थी वो ये थी कि हम यमुना के किनारे रिजर्वायर बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी बताएं कि पिछले 6 वर्षों में क्या एक भी यमुना के किनारे रिजर्वायर बनाया गया है, ये आज हम आप सभी के माध्यम से उनसे पूछ रहे हैं सरकार। तो वहीं पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके के डेयरी फार्म स्थित झुग्गियों में आग लगने से हड़कंप मच गया और आग में करीब 50 से ज्यादा झुग्गी जलकर खाक हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक डेयरी फार्म के अंदर बनी झुग्गियों में एलपीजी गैस का इस्तेमाल कोई केमिकल किया गया था, जिस समय केमिकल बनाया जा रहा था उसी समय एलपीजी सिलेंडर से गैस का रिसाव हुआ और आग लग गई। देखते ही देखते आग चारों तरफ फैल गई, आसपास बनी झुग्गियों ने भी आग पकड़ ली, जिससे कि 50 से ज्यादा खाक हो गई झुग्गियां। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मैं इसको लेके बाहर बैठी थी, पड़ोसी ने मेरा 2-3 घर छोड़ के शोर मचा रही। मैं भागे जाके बोली क्या हुआ, बोला जो आग लग गया मेरा झुग्गी में, तो मैं शोर मचा दी। मैं बोली अरे मोनी भाई का झुग्गी में आग लग गया, सब भाग गया। तो सारा सामान जल गया आपका? सर मेरा कुछ भी नहीं बचा। अगले महीने 26 तारीख को लड़के का शादी है, मेरा इसका 7 लाख का खाता है घर के अंदर, मेरा 3 लाख का है, मेरा घर में सर 5-6 लाख रुपया रखा। मेरा बेटी जोधपुर से आ गए, मुझे 3-4 लाख रुपया रखने, बोला माँ भाई का शादी मैं आज। तुम्हारी राजधानी दिल्ली के राजापुरी इलाके के बाइक पार्ट्स स्पेस के गोदाम में भीषण आग लगी। आग से गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं लग सका। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की करीब 20 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अभी तो हमारा फायर फाइटिंग ऑपरेशन कंटिन्यू है, इसके बाद ही हम कुछ वो पता करके बता सकते हैं। इसमें किसी की हताहत होने की खबर? नो कैजुअल्टी रिपोर्ट थी। तो फायर की कब कॉल थी, कितने समय पे फायर की गाड़ी पहुंची? ये करीब 9:41-42 पे कॉल मिली थी हमें, उसी टाइम पे 4 या 5 गाड़ी इमीडिएट भेजी गई थी, लेकिन सीन पे आते ही देखा तो बिल्डिंग जो है ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी है और इसमें बाइक की वर्कशॉप और ऊपर फ्लोर्स पे टायरों का गोडाउन और स्पेयर पार्ट्स का गोडाउन होने के कारण इसमें ज़्यादा टाइम लगे। अभी सर मौके पर कितनी गाड़ियां मौजूद? मौके पे करीब 18-20 गाड़ियां मौजूद हैं। अच्छा, लग रहा है आग पर काबू पाया जा सकता है? हाँ जी, आग पर काबू पा चुके हैं हम, करीब 95% आग कवर हो चुकी है। की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव। पश्चिमी दिल्ली के राजापुरी इलाके में एक बाइक शॉप में लगी भीषण आग, जहां मौके पर दमकल की लगातार कई गाड़ियां मौजूद रही, डीडीएमए की गाड़ी मौजूद रही और साथ ही दिल्ली पुलिस, पश्चिमी दिल्ली के बिंदापुर थाने के तमाम पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आपको बता दें फिलहाल किसी की हताहत होने की खबर नहीं, एक को घायल बताया जा रहा था लेकिन कैट्स एम्बुलेंस द्वारा मौके पर उसको अस्पताल पहुँचाया गया, फिलहाल जख्मी से बाहर है, किसी प्रकार की हताहत की खबर नहीं है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार फायर की गाड़ियां यहां पर मौजूद है, आग पर काबू पा लिया गया है। तो इस वक्त आप देख रहे थे न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक सिंह के साथ उदय हिंदुस्तानी, न्यूज़ 1 इंडिया। तो वहीं दिल्ली के रोहिणी में सेक्टर 7 के अंदर लोगों का गंदगी के चलते जीना मुहाल हो गया है। गंदगी होने के चलते लोगों को बीमारियों का डर सता रहा है, तो वहीं कूड़े से निकलने वाली बदबू से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इसको लेकर कई बार उन्होंने निगम पार्षद से भी शिकायत की और विधायक से भी मिलने की कोशिश की, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। बनी कूड़े का अंबार, आज इसी मुद्दे को लेकर हम लोग पहुंचे हैं दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 में, जहां हमारे साथ यहाँ के कुछ रिहायशी लोग मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं।
आंटी, आपके क्षेत्र में कूड़ा फैला हुआ है, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? समस्या सबसे ऊपर तो सड़न और गंदगी, और वहाँ पर से गुजरा नहीं जाता, बिल्कुल बदबू आती है रोड के अंदर, और सेक्टर 7 के अंदर वाली गली के अंदर, इस गली के अंदर जाकर देख लो और उधर सामने तक चले जाओ, बहुत बुरा हाल हो रहा है। ये कूड़ा ना उठ रहा है, ना इसे उठाते लोग, गली में फेंक भी देते हैं कूड़ा, कोई बोलता ही नहीं है इसे कूड़े को उठाने के लिए, ना कोई आता है यहाँ पर सफाई करने के लिए, ना झाड़ू लगती है यहाँ। आंटी, आपको ये तो पता होगा कि MCD के कर्मचारियों को जो तनख्वाह नहीं मिल रही है, उस कारण से ये लोग हड़ताल पे गए हुए हैं। वो नहीं पता मुझे। अच्छा, वो हाँ, चीज़ें आप लोगों को नहीं पता? नहीं पता है, ना वो कोई आ रहा है इधर। क्षेत्र के कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अंकल, कूड़ा गलियों में फैला हुआ है, किस किस तरीके की परेशानियां रहती हैं आप लोगों को? यहाँ तो निकलना ही बुरा हाल हो रहा है जी। अगर अपने क्षेत्र के किसी अधिकारी से, निगम पार्षद से, विधायक से मिलके आपने इस मुद्दे के लिए बात करने की कोशिश की? कोई मिला ही नहीं है। कोई मिलता ही नहीं है। क्या जवाब मिलता है उनकी तरफ से? हमें कोई वो आदमी नहीं मिलता, कोई भी आपसे, मतलब आपको मिलता ही नहीं है, ना ही कोई क्षेत्र का निगम पार्षद, ना कोई नहीं आता, ना कोई मिलता इधर। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि क्षेत्र के लोगों को परेशानियां बहुत हैं, और कोई अधिकारी भी, निगम पार्षद भी, या कोई विधायक भी इन लोगों से मिलने की कोशिश नहीं करते हैं, और बस इलेक्शन के टाइम पे ही यहाँ के लोगों के पास आकर मिलते हैं। दिल्ली से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए भावना की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। 26 जनवरी को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को लेकर अपने डिस्ट्रिक्ट में किस तरह के इंतजाम किए हैं, इसको लेकर रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के DCP प्रमोद कुमार मिश्रा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने। आज हम रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के DCP PK मिश्रा जी के पास हैं, और इनसे आज जानेंगे कि 26 जनवरी आ रही है, उसको लेकर जो इनके डिस्ट्रिक्ट में किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम है, साथ ही किसान चल रहा है वो भी 26 जनवरी की परेड निकालने के लिए कह रहे हैं, तो क्या उसको लेकर कुछ स्पेशल इंतजाम है, इसके रिगार्डिंग आज हम DCP साहब से बात करेंगे। पहले तो ये बताइए सर, 26 जनवरी को लेके नॉर्मल अगर चेकिंग की बात करें, जो हर बार रहती है अरेंजमेंट, तो किस तरह के अरेंजमेंट जो इस बार है आपकी तरफ से यहाँ पर रखी गई? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि 26 जनवरी के मद्देनगर पुलिस बहुत सचेत रहती है, और सभी जिलों की तरह रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस भी इस मामले में बहुत अलर्ट है। हम जगह जगह चेकिंग के लिए पिकेट्स लगाते हैं, और इसके अलावा मॉक ड्रिल्स भी की जाती हैं, मॉल्स वगैरह की चेकिंग बढ़ा दी गई है। जो भी ऐसी जगह जहाँ पर पब्लिक का ज़्यादा आना जाना है, वहाँ पर लोग सब चीज़ों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है, ताकि कोई भी ऐसी घटना ना घटे और सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से 26 जनवरी को सेलिब्रेट कर सकें, मना सकें। हम सबका यही प्रयास रहता है। पुलिस की गश्त भी बढ़ाई जाती है, और आप सब जानते ही हैं 25 जनवरी से ही बॉर्डर सील हो जाते हैं, दिल्ली में गाड़ियों की एंट्री बंद हो जाती है, उसको भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं इस तरह से पूरी। आपके इलाके में जो है मॉल्स वगैरह काफ़ी हैं रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें हम, तो उनमें वहाँ पर किस तरह के, क्या उनको पहले बंद करा दिया जाएगा 1-2 दिन पहले ही, कि या किस तरह से वहाँ पे सिक्योरिटी करके चेकिंग है? नहीं नहीं, कोई बंद नहीं कराया जाएगा। अगर 26 जनवरी पे लोग अपने आप ही शॉप्स वगैरह बंद रखते हैं, वो उसी तरह रहेगी। बाकी आज भी दुकानें खुली हुई हैं नॉर्मल, जितना कोरोना पीरियड में परमिट है, और बाकी हम लोग की चेकिंग वगैरह वहाँ चल रही है, वो रूटीन से भी थोड़ा ज़्यादा चेकिंग करते हैं, स्पेशल पिकेट्स लगा के आने जाने वालों को, गाड़ियों को, पार्किंग लॉट्स को चेक किया जाता है। टेनेंट वेरिफिकेशन हम पहले ही कर चुके होते हैं, वो भी चलता रहता है। लाइक जी सर, बॉम्ब स्क्वाड वगैरह की जो टीमें हैं, क्या वो भी उस टाइम ऐसे टाइम पर अलर्ट रहती हैं इलाके स्क्वाड वगैरह जो होता है इसके लिए? जैसा कि मैंने कहा कि पुलिस पूरी तरह सचेत है, किसी भी तरह की इंसिडेंट को हम ना होने देने के लिए भी अलर्ट हैं। इसके अलावा बात करें, अगर जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, और किसान जो है लगातार मांग कर रहे हैं कि भाई 26 जनवरी को हम भी एक अपनी ट्रैक्टर रैली निकाल चलते हैं, इन केस अगर वो 26 जनवरी को दिल्ली में मूव करते हैं, तो क्या उसके लिए किस तरह के कोई इंतजाम स्पेशल कुछ अलग से रखे गए हैं, या कुछ कोई आगे से आदेश आए हैं कि भाई उनको अंदर नहीं आने देना, या क्या है किस तरह के? चूँकि इसमें लगातार वार्ता चली रही है सरकार से भी, किसान भाइयों से भी, जो भी है, तो मैं इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। बट ये है कि हम लोग नॉर्मल रूटीन में जैसे बॉर्डर्स को सील रखते हैं, या कहीं पे भी जो हरियाणा UP से लगने वाले रास्ते हैं, जो इस एरिया में भी हरियाणा से लगने वाली जो भी सड़कें हैं, उन पे चेकिंग चल रही है, और
एंट्री चूँकि 25 तारीख की शाम से ऐसे भी बंद है तो वो उसी तरह बंद रहेगा। तो ये थे हमारे साथ रोनी डिस्ट्रिक्ट के DCP PK मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि जो चेकिंग हर 26 जनवरी को जो चलती है, जैसे 25 तारीख को ही सारे बॉर्डर दिल्ली के सील कर दिए जाएंगे, तमाम मॉल्स हैं जो उनके इलाके में उन पे सिक्योरिटी रहेगी, सड़कों पर पिकेटिंग रहेगी, गाड़ियां चेक होगी, 10 दिन पहले ही जो टेनेंट होते हैं उनकी वेरिफिकेशन वगैरह का जो काम है वो इलाके में तेज कर दिया जाता है, और इस तरीके से जो है पूरी तैयारी जो है अपनी तरफ से रोड़ा डिस्ट्रिक्ट DCP जो पी के मिश्रा ने बताया कि हम पूरी तरीके से अलर्ट हैं, और हम ही नहीं दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है, और किसी तरह की कोई घटना ना हो इसका पूरा इंतजाम किया गया है। दीपक शर्मा, न्यूज़ इंडिया। तो साउथ वेस्ट दिल्ली के द्वारका वर्धमान मॉल में डायमंड स्वीट्स की दुकान ने अनोखी पहल शुरू की है, जहां आप वेस्टेज प्लास्टिक देकर स्वच्छ मसालेदार खाना या मिठाई ले सकते हैं। तो वहीं साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टीम इस मुहिम को बढ़ावा दे रही है। इसको लेकर हमारे संवाददाता उदय हिंदुस्तानी ने DC राधाकृष्णन से खास बातचीत की। जो मुहिम इन्होंने शुरू करी है हम उनमें उनका साथ देंगे। अपने देश को स्वच्छ रखने के लिए हमने ये स्टार्ट किया है कि लोग जरा सी प्लास्टिक की घर की चीज़ उसको डस्टबिन में फेंकने की बजाय उनको ये रहे कि इसको अलग से करना है, इकट्ठा करना है सूखा करके, इसके बदले में हमें नाश्ता। स्वच्छ भारत अभियान के तहत SDMC की एक अनोखी पहल, जहां प्लास्टिक को देकर खाना मिलेगा। मेरे साथ अधिक जानकारी के साथ मौजूद है SDMC नजफगढ़ जोन के DC साहब। सर स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया में आपका। धन्यवाद जी। किस तरह से ये अनोखी पहल और क्या सहयोग रहेगा इसमें SDMC का, क्या कुछ मामला है? ये अनोखी पहल हमने डायमंड स्वीट पूजा जी के साथ शुरू की है। इसमें जो भी हमारे रेजिडेंट्स 1 किलो प्लास्टिक घर से लेके आएंगे तो ये उनको नाश्ता, लंच, ब्रेकफास्ट में से कोई जो उसकी पसंद का वो देंगे, और यदि वो नहीं लेगा तो 0.5 किलो मिठाई का डब्बा देंगे, और यदि वो 5 किलो लेकर आएगा तो 1 किलो मिठाई का डब्बा देंगे। ये इस बहुत अच्छी शुरुआत है जिससे कि प्लास्टिक के निष्पादन में हमें बहुत हेल्प मिलेगी, और इनसे जो प्लास्टिक आएगा उनसे हमारी टीम आके कलेक्ट करके लेकर आएगी जिससे उसका सही से रिसाइकल के लिए यूज किया जा सके। जो आम जनता प्लास्टिक देगी और खाना लेगी और उसको SDMC उस प्लास्टिक को लेकर जाएगी, उस प्लास्टिक के बदले में SDMC उसको कुछ दे भी रही है? नहीं, हम उनको कुछ नहीं दे पाएंगे, उनका सहयोग ही कर रहे हैं, उनको मदद करेंगे डिस्चार्ज करने में, उसके अलावा हम उनको कुछ नहीं कर पाएंगे, हेल्प नहीं कर पाएंगे। इस तरह के अवेयरनेस से क्या लगता है आपको कि कितना स्वच्छ अभियान को इसमें हेल्प मिलेगी? स्वच्छ अभियान में तो हेल्प मिलेगी, इससे हम अपने जनता को भी जागरूक कर पाएंगे कि उनको जो प्लास्टिक वेस्ट करके इधर उधर फेंकते हैं उसका सही से इस्तेमाल करें और उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट लेकर जाए वो। यह पहल क्या लगता है जो नजफगढ़ जोन से शुरू हुई है क्या आगे पूरे दिल्ली में फैलेगी? पूरी उम्मीद करते हैं ऐसा होगा, क्योंकि हमारे पास 3 फोन पहले ही आ चुके हैं, 3 जगह से हम वो टाई अप कर रहे हैं, अगले हफ्ते तक वो 3 से भी हो जाएगा, 1 के साथ 3, 3 के साथ 8 ऐसे जुड़ेंगे, अच्छा होगा ये बनेगी इसके। ये थे मेरे साथ DC साहब नजफगढ़ जोन के, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पूरे दिल्ली में सफाई अभियान को एक अनोखी पहल मिलेगी, काफ़ी मदद मिलेगी, जनता को जागरूक कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक सिंह के साथ उदय हिंदुस्तानी, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली। तो इसी के साथ दिल्ली लाइव में बस इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।